हेलो दोस्तों, मैं हूं किमन सारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैट्रिक के सब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है इंद्रजीत गुप्ता, तो उन्होंने हमारे एक वीडियो में कमेंट किए थे कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कैसे करते हैं कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस वीडियो में दो चार ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को सीखने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे फायदा यह होगा कि आगे आने वाली वीडियो आपसे ना छूटेगी और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए बिना समय गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि सिद्ध करें कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका सेकेंड ही लाइन हल में लिखते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन भले है √3+√5, लेकिन हम मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात परिमेय संख्या बराबर p/q होता है, ये आपको मालूम होगा। तो हम लिख देंगे अर्थात √5 p/q। इसके सेकेंड लाइन में लिखना है कि दोनों ओर वर्ग करने पे। तो देखिए, यहाँ पे हम √5 का भी वर्ग कर देंगे और p/q का भी वर्ग कर देंगे, यानी उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो एक बात आपको मालूम होगा कि √5 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है केवल 5, अब p² का p² और q² का q² हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे क्रॉस गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रॉस गुना करेंगे तो 5q² है, तो यहाँ पे 5q हो जाएगा, और बराबर का बराबर यहाँ पे आपको होगा p²q, क्योंकि ये एक स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा होगा कि यहाँ पे 5q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और उसके बाद में जो p²q है, यह एक भिन्न संख्या है। तो आपको यह लाइन आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखना है कि जहां दिया गया है 5q एक पूर्णांक संख्या है तथा p²q एक भिन्न संख्या है। उसके बाद में लिखना है कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, यह मान्यता गलत है। आप ही बताइए कि पूर्णांक संख्या कभी भिन्न संख्या के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जब पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक लेख हम लोग वह क्वेश्चन बनाए हैं जो अभी क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, ये √5 का बना है। लेकिन आपका क्वेश्चन बोला है कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 का बन गया है। इसके बाद में दो चार ऐसे वर्ड लिखने हैं जिससे आपका वह क्वेश्चन का आंसर बनेगा। वह ऐसा वर्ड है, लिखना है चूँकि दी गई परिमेय संख्या 5 है जो अपरिमेय संख्या √5 का योगफल है। एक चीज़ आपको कभी ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ पे आपको देता है 3+√5, तो आपको यहाँ पे योगफल लिखना है। अगर माइनस देता है तो यहाँ पे आपको अंतर लिखना है। आई होप आप मेरे बातों को समझ चुके होंगे। तो लिखना है चूँकि दी गई परिमेय संख्या 5 है जो अपरिमेय संख्या √5 का योगफल है। अब फिर लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये नोट में आप लिख सकते हैं याद करने के लिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो जब आप ही बताइए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल यानी जोड़ अपरिमेय संख्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए 3+√5 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो आई होप आप यह क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो इस क्वेश्चन में अगर √5 दे देता है कि अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर हमारे ऑलरेडी वीडियो पहले से बन चुके हैं। आप नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर चले जाइए और चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके बाद में दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह दो ऐसे प्रश्न जो 3 बार लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, वह क्वेश्चन इस प्रकार है कि गुणनखंड विधि से हल करें, ठीक है।
आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें या हल करें, तो वो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप मेरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए मूल ज्ञात करना बहुत ही आसान लगने लगेगा। देखिए, मूल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए फर्स्ट को लास्ट से गुणा करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट है 3 और लास्ट है 2, तो आप ही बताइए 3 में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो आपका क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, आपको मालूम है कि 3 में 2 से गुणा करने पे 6 हो जाता है। उसके बाद में आपको सेकेंड लाइन में क्या करना है कि आपको यह करना है कि जो बीच का संख्या होगा, ध्यान रहे, जो बीच का संख्या होगा, तो जो हमारा गुणा करने पे संख्या आया है, तो गुणा करने के बाद जो संख्या है उसको दो अंकों में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला संख्या पूर जाना चाहिए और दोनों संख्या में गुणा करेंगे तो 6 पूर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि वह दो संख्या कौन सा होगा, तो वह दो संख्या जानने के लिए हम बहुत ही सिंपल मेथड का यूज करते हैं कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो देखिए, 2 3 6 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह दो संख्या हमारा 1 2 आ गया है और 1 3 आ गया। देखिए, 2 और 3 5 भी हो जाएगा और 2 3 6 भी हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी तरीके से इसका दो अंक मिल गया है। तो पहला वर्ड है 3x², तो 3x² लिखा जाएगा। अब देखिए, -5x है, इसके जगह पे लिया जाएगा -3x और -2x, चूँकि 3 2 6 हो जाएगा और -3x और -2x मिल के -5x भी हो जाएगा। चूँकि आपको हम हर एक वीडियो में बताए हैं कि पहले माइनस और सेकेंड में माइनस लगा हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन लिखते हैं हमेशा माइनस में, इसलिए 3 2 5 लेकिन लिखेंगे -5, और +2 है तो +2 यहाँ का वहीं रहेगा। अब देखिए, उसके बाद में आपको क्या करना है कि गुणनखंड विधि में ये दो जो मिल जाते हैं उसको कॉमन कर लेते हैं। देखिए, 3 3 मिल रहा है और x x मिल रहा है, तो 3x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, x² है तो 1 x यहाँ पे आ जाएगा, अब माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3x का 3x कॉमन कर लिया गया है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे है -2x और +2, तो देखिए यहाँ पे x तो दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 कॉमन मिल रहा है, ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा x, और प्लस माइनस माइनस और 2 कॉमन कर लिया गया है तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि हम क्वेश्चन का आंसर गलती बना रहे हैं यह सही बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप गुणनखंड विधि को बनाएंगे तो ये जो स्टेप आता है आपको हमेशा सेम टू सेम ही आता है। तो देखिए, सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि 3x और जो -2 है इसको एक जगह लिख लेना है, जैसे 3x - 2x हमने ले लिया है, और ये जो दो स्टेप आए हैं x - 1 x - 1, ये दोनों में से कोई हमको एक लेना है, जैसे हम x - 1 लिए। ठीक है, उसके बाद में आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं या अल्फा बीटा का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि लिखना है जब 3x, देखिए 3x - 2 = 0, तो जब 3x लिखेंगे और माइनस है तो बराबर के उधर प्लस में चल जाएगा, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये गुना में है तो इधर भागा में आएगा। देखिए, एक्स बराबर अगर 2 लिखते हैं तो ये जो 3 है गुना में ये आ जाएगा सीधे भागा में, तो यानी 1x का जो मान आएगा हमारा, जो पहला x का मान रहता है वह होगा इस क्वेश्चन का 2/3। फिर दूसरा नंबर में देखें, x - 1 है तो x अगर बराबर लिखते हैं तो ये माइनस में है तो उधर चल जाएगा प्लस में, यानी सिंपली केवल 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये गुणनखंड का आंसर आएगा वह हो जाएगा दोस्तों 2/3 और 1। इस प्रकार से आप ये गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। उसके बाद में एक ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग चकराने लगता है कि ऐसे वर्ड को कैसे यूज करते हैं, ऐसे सभी प्रश्न को कैसे हल करते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम में जहाँ पे दशमलव मिल जाता है, जहाँ पे रूट मिल जाता है, तो वह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही भारी लगने लगता है कि ये रूट वाला और दशमलव वाला कैसे बनेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में ये दशमलव और रूट वाले क्वेश्चन को इतना आसान बना दूंगा कि आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा और आप सोचेंगे कि रूट वाले और दशमलव वाले उससे भी आसान होते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है √7x² - 7x + 5√2 = 0, इसको बोल रहा है कि द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र द्वारा इसको हल करना है, तो इसको आप कैसे हल करोगे,
तो सबसे पहले आपको लिख लेना होगा कि ए का मान इसमें क्या है। तो देखिए पहला वाला जो अंक होता है वो ए का मान होता है, तो ए का मान रूट दो हो गया, आप सिंपली समझ चुके होंगे। बी का मान कितना हो गया, तो देखिए ये माइनस है, प्लस रहता तो नहीं लिखते लेकिन माइनस है तो माइनस सात बी का मान लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए हैं। और सी का मान पाँच रूट दो है तो हम लिख देंगे सी का मान पाँच रूट दो। नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले मूल निकालने के लिए आपको डी ज्ञात करना पड़ता है। तो डी का फॉर्मूला होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब आपको क्या करना है, बी का स्क्वायर। तो देखिए बी का मान यहाँ पे अभी हम लोग लिखे हैं माइनस सात, तो लिख देंगे माइनस सात का स्क्वायर, माइनस का माइनस फोर है तो फोर लिख देंगे, गुने ए का मान गुने सी का मान। देखिए गुने ए का मान, ए का मान यहाँ पे दो है तो रूट दो लिख देंगे, गुने सी का मान, तो सी का मान देखिए पाँच रूट दो है तो गुने पाँच रूट दो। देखिए यहाँ तक आप भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो गुना करने का आता है वहाँ पे आप बहुत सोचने लगते हैं कि कैसे गुना होगा। देखिए बहुत आसानी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सात के स्क्वायर सीधे सात से उनचास हो जाएगा। आप अगर सोच रहे होंगे कि माइनस सात है तो माइनस उनचास होगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे होंगे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, इसीलिए सात माइनस सात का स्क्वायर उनचास लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और देखिए चार में हमको कर देना है पाँच से गुना, तो पाँच होगा बीस हो गया, फिर रूट दो में रूट दो से गुना कर देना है। तो देखिए रूट दो में अगर हम रूट दो से गुना करते हैं तो ये केवल दो रहता है, चूँकि रूट से रूट कट जाता है, या दो दूनी चार हो जाएगा, रूट चार के वर्गमूल दो होता है, ठीक है। तो पाँच का बीस हो गया, और दो दो में रूट दो में रूट दो से करेंगे तो दो, तो पाँच का बीस, और बीस दूनी चालीस। अब उनचास में से आपको सिंपली चालीस कटा देना है तो आपका जो आएगा वह आएगा दोस्तों नौ। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकेंड लाइन में आपका जो आखिरी लाइन है जो मूल ज्ञात करने में, वह है आपका फार्मूला का यूज करना। उसके बाद वाले लाइन में आपका फार्मूला का यूज करना है। तो आप फार्मूला का यूज कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिखना है कि मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा टू ए। ये एक फार्मूला है जो आपको एग्जाम में जाने से पहले फार्मूला को याद कर ही लेना होगा, चूँकि आप बिना फार्मूला के बहुत सारे मैथ का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। जैसे त्रिकोणमिति हो गया, त्रिकोणमिति पे ऑलरेडी हमारे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, तो त्रिकोणमिति को आप बिना फार्मूला के नहीं बना सकते, इसीलिए आप त्रिकोणमिति का भी पूरा फार्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे फार्मूला बोल रहा है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा टू। देखिए माइनस बी, तो हमारा मान पहले से ही माइनस ही, देखिए ये सूत्र का माइनस हमने लगाया और बी का मान पहले से भी माइनस सात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर प्लस माइनस रूट डी का मान, तो डी का मान अभी निकला है नौ, तो हम लिख देंगे रूट नौ बटा टू ए, यानी दो गुने ए का मान। तो ए का मान आपको मैं बता दूं कि ये रूट दो है तो रूट दो लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस और रूट नौ का वर्गमूल तीन होता है, और दो में रूट दो से कर देंगे तो दो रूट दो हो जाएगा। यहाँ तक बन गया है, आपको अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना पड़ता है या दो गो एक्स का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने अल्फा बीटा का मान ज्ञात किया है, तो अल्फा बीटा में क्या होता है कि अल्फा में दोस्तों केवल प्लस वाला लिया जाता है और बीटा वाला में माइनस वाला लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है माइनस सात, यहाँ पे माइनस सात का माइनस सात लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, तीन का है तो तीन, ठीक है। तो क्या कर देंगे कि माइनस सात है और तीन है, यहाँ पे सात माइनस सात नहीं होना चाहिए, तो चार और चार में से जब सात में से तीन घटेगा तो आपका सिंपली माइनस चार बचेगा, ठीक है। क्योंकि माइनस देखिए सात रुपया कर्ज है, तीन रुपया कहीं से आया, तो तीन रुपया आप कर्ज सधा देंगे तो अभी आपका चार रुपया कर्ज रहेगा, यानी माइनस चार रहेगा, और दो रूट दो का दो रूट दो, तो दो दूनी चार कट जाएगा और रूट दो को दो काट देगा, रूट दो मर जाएगा, ये माइनस में है, तो इसीलिए आपका जो एक आंसर आएगा वह होगा माइनस रूट दो, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में जो बीटा का मान यानी एक्स टू का मान ज्ञात करना पड़ता है, उसमें दोस्तों हम दोनों माइनस लेते हैं, एक माइनस सात तो यहीं का है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस में प्लस को हमको छोड़ देना है और माइनस का यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो माइनस तीन ले लेंगे और दो रूट दो यानी सभी में रहेगा, तो माइनस सात और माइनस तीन ये भरे दोनों को जोड़ देंगे लेकिन लिखेंगे माइनस में, तो सात और तीन माइनस दस और दो रूट दो का दो रूट दो, ये दो काट देगा दस को पाँच मरते हुए, पाँच दूनी दस, तो आपका इस तरीके से आंसर आएगा माइनस पाँच रूट दो, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सस्पिशन वाली बात है, ये माइनस नहीं होगा और यहाँ पे आपका केवल आंसर आ जाएगा सात और तीन दस, यानी आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए पाँच। ये आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये थी आज के कुछ वी वी आई प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जिस भी विषय और जिस भी
अध्याय का वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे ना छूटे। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे मैट्रिक के अगले VVI प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।